हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। तो आज का वीडियो रहेगा हमारा पूरा डीएम और डीएफ दोनों की करंट एनर्जी पे। और मुझे जो चैनल मैसेज मिले हैं आज, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आज मुझे किस तरह से ये डाउनलोड्स मिले हैं या फिर चैनलिंग हुई है, डिवाइन ने मुझे मैसेज दिए हैं। मैं वैसे मूवी देखती नहीं, लेकिन आज अचानक से मैं देखने बैठ गई और मेरे सामने वो मूवी आ गई, रुद्राक्ष नाम है उसका। और वो मैंने बहुत पहले देखी थी, जब मैं आई थिंक मैं फोर्थ में थी तब मैंने देखी थी। और उसमें मुझे क्लियर मैसेज डिवाइन ने दिए हैं। जैसे उसमें मैंने एक शब्द सुना, डिवाइन इंटरवेंशन, उसके बाद सोलर प्लेक्सल, उसके बाद उसने बोला, उसमें एक वॉर दिखाई गई जो थी एंजल और डेविल के, दोनों के बीच में। और उसमें माइंड का मैनिपुलेशन भी दिखाया गया, जो इस टाइम एनर्जी चल रही है। बिल्कुल एक्यूरेट मुझे मैसेज मिले हैं। और सच बोलूँ तो इस टाइम सच में हमारे सोल और माइंड के बीच में एक वॉर चल रही है। ये आपको बाहर नहीं देखेंगी, ये आपके अंदर ही चल रही है लड़ाई। इस टाइम आप बहुत ज़्यादा माइंड की सुने या दिल की सुने, इस तरह से कन्फ्यूजन में है, जगलिंग चल रही है। दोनों के बीच में एक वॉर आपके अंदर चल रही है और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की एनर्जी है, नेगेटिविटी की एनर्जी है। और इस टाइम बहुत सारे लोगों के लाइफ में डिवाइन का इंटरवेंशन भी हो चुका है, ठीक है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। तो पेनफुल सिचुएशन बहुत सारे लोगों के लाइफ में चल रही है, कन्फ्यूजन चल रहा है, सब कुछ छोड़ जाने का मन कर रहा है, इस तरह की एनर्जी भी हम देख रहे हैं, क्योंकि डिवाइन का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैंने ये आपको सारी बातें पहले ही बताई थी और आज मुझे क्लियरली पता चला। और बहुत सारे लोगों के सोलर प्लेक्सल चक्रा पे काम करने का टाइम आ चुका है। और जब मैं वो मूवी देख रही थी, वो लास्ट एंडिंग का था, और उसमें मुझे ये सारे मैसेज डिवाइन की तरफ से दिए गए, बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज थे और मुझे तभी समझ में आया। और वैसे भी आज अगर बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को हेवी एनर्जी पिक हुई होंगी आफ्टरनून में 2 बजे से 6 बजे तक, और थोड़ी बहुत अब कम हो चुकी है, लेकिन इस दौरान आपने बहुत सारी एनर्जी को फील करा होगा, या नेगेटिव या हेवी, ठीक है। तो ये मुझे चैनल हुआ जो बहुत ही सही था। चलिए मैं एनर्जी की बात कर लेती हूँ। सबसे पहले हम फेमिनाइन की देखेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक करना, और टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है, और ये आपके साथ रेजोनेट होती है, जो जो होता है वही ले लेना, ठीक है। तो चलिए फेमिनाइन की बात कर लेते हैं। देखिए फेमिनाइन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा इस टाइम बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का फ्लक्चुएशन चल रहा है। मैंने आपको पिछले चैनलिंग में भी बताया था कि टाइम जो है वो टेस्ट और ट्रिगर का है, अभी चलेगा, क्योंकि डीएम और डीएफ दोनों तरफ ये एनर्जी है और दोनों तरफ न्यू बिगनिंग का समय भी है। और इसीलिए जब न्यू कुछ होने वाला होता है लाइफ में, कुछ नया होने वाला होता है या फिर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला होता है, तो एक पेनफुल सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है, क्योंकि जब अंदर का जो हमने होल्ड करके रखा है, जो कूड़ा, जो कचरा, जो बाहर निकल के जो सरफेस होता है रिलीज होने के लिए, तब एक पेनफुल सिचुएशन को आप फील करेंगे। और वही इस वक्त बहुत सारे डीएफ के साथ हो रहा है। इस वक्त बहुत सी डिवाइन फेमिनिन है जो नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा फील कर सकती है। आप अपने माइंड से इस वक्त बहुत ज़्यादा चल सकते हैं, आपका माइंड लीड कर सकते हैं, आप ये भी एनर्जी फील करेंगे। और साथ में ये जो टाइम है ना, इस टाइम एक एनर्जी जो चल रही है वॉर की एनर्जी है। मैंने आपको पहले बताया, शुरू जैसे ऊपर बताया कि मैंने मुझे चैनल हुआ है, मैसेज डिवाइन ने मुझे क्लियर बताया। तो एक तरह से एक नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, डेविल और एंजल दोनों के बीच में ये चल रहा है हमारा वॉर का समय, और ये वॉर आपके अंदर चल रही है, ठीक है। मान लीजिए एक स्पिरिचुअल वॉर और 3D वॉर, और दोनों में आपको चूज़ करना है, लेकिन वही होता है कि चाहे तकलीफ कितनी भी हो, लेकिन आखिरकार जीत तो पॉजिटिविटी की ही होती है। एनर्जी आप इस तरह से भी फील करेंगे, आपके अंदर के बहुत सारे नेगेटिव इमोशन जो है वो बाहर आ सकते हैं। इस टाइम आप लो एनर्जी को भी फील करेंगे फेमिनाइन, और साथ में आप आपके डीएम की एनर्जी भी पिक करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं और फिर भी आप लो एनर्जी को पिक कर रहे हैं, तो बेशक ये आपके डीएम की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि दोनों तरफ मिसिंग एनर्जी भी है। जैसे डाउट करना अपने आप पर या फिर अपने काम पर, अपने जर्नी पर,
अपने भगवान पर डाउट करना या उनसे सवाल पूछना या फिर डीएम को बहुत ज़्यादा कर्ज करना या फिर ब्लेम करना बहुत ही आपको हेल्पलेस लग सकता है, होपलेस आपको लग सकता है। इस एनर्जी को भी आप फील कर सकते हैं, आप इन सारी नेगेटिव एनर्जी को फील कर सकते हैं। देखिए इस टाइम क्या हो रहा है कि आपका टेस्ट हो रहा है कि आप कितने बैलेंस हैं, आपको कितना अभी काम करना है और आपका जो विश्वास है वो कितना है अपने आप पर और अपने भगवान पर, ठीक है। देखिए फेमिनिन को इस टाइम गुस्सा मतलब उनका एंगर का इशू या फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा उनका बाहर आ रहा है, गुस्सा भी आ सकता है अपने आप पर, अपने जर्नी पर, अपने डिवाइन मस्कुलाइन पर। हर चीज़ के लिए आप एक फ्रस्ट्रेशन फील कर सकते हैं। आपका एक टाइम मतलब एक टाइम आप ऐसे सोचेंगे कि मैं मूव ऑन कर लूँ और सेकेंड टाइम आप फिर से पीछे हट जाएंगे, आप फिर से पास्ट में देखेंगे, आप फिर से अपनी जर्नी पर वापस आने का सोचेंगे। आपको इस टाइम पास्ट का जो भी आपके अंदर दबा के आपने रखा था, जो झूठ आपने अपने आप से बोला था, वो सब ऊपर आ रहा है रिलीज होने के लिए। टाइम थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है आपके लिए, लेकिन आपको ये मानना ही होगा कि डिवाइन ने आपके लिए बहुत ख़ास कुछ रखा है। जब ये अजीब सी एनर्जी निकल जाएंगी सब अच्छा होगा, क्योंकि एनर्जी हमेशा चेंज होती है। देखिए इस टाइम क्या हो रहा है कि बहुत से लोग ये भी सोचेंगे कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, बस हो गया, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं, मुझे छोड़ना है, ना उनका हीलिंग करने का मन कर रहा है, ना कोई इनावक करने का मन कर रहा है, और उनके उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब अब बहुत हो गया, मेरे से सहा नहीं जाता, इस तरह से उनका जो पेशेंस है वो उन्हें जवाब देने लगा है। तो ये भी एनर्जी बहुत सारे लोग फील कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो वाइब के जो लोग होंगे, जैसे कि जो न्यू अवेकनिंग होंगी उनकी ये एनर्जी हो सकती है। देखिए आपको पता है कि जर्नी डिवाइन की है, तो ये प्लान भी डिवाइन का ही है, चाहे जैसी भी एनर्जी हो, ठीक है। क्योंकि जब हम चीज़ों को होल्ड करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हमें झेलनी पड़ती है, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहे। तो अगर ये जर्नी आपको भगवान ने दी है, भगवान का प्लान है, तो बस आपको उन पर उतना फेथ होना चाहिए। जो भी एनर्जी है अभी या बाद में ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और आपके लाइफ में एक बहुत अच्छी एनर्जी आएगी, सब कुछ सही होगा। अगर भगवान ने आपको इतना पेन दिया है या तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी कोई पेनफुल साइकिल जो है वो अब बहुत जल्द एंड होने वाली है, इसलिए ये समय इतना अजीब आपको फील हो रहा है, ठीक है। और आप इससे निकल भी रहे हैं। बहुत से जो न्यू अवेकनिंग के जो लोग हैं उनकी जो डार्क नाइट है वो भी चल रही है। देखिए मुझे ना एक सेंस हो रहा है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की एनर्जी है, और ये मैनिपुलेशन आपको बाहर से नहीं आ रहा है, ये मैनिपुलेशन आपके दिमाग का है, आपके ओवर थिंक का है, आप ही का माइंड आपको इस टाइम मैनिपुलेट कर रहा है। क्योंकि हमेशा न्यू बिगनिंग के टाइम में हमारा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप आगे ना बढ़े। तो ये जो पूरा मंथ है ना हमारा जनवरी का, ये पूरा हमारा न्यू बिगनिंग को दिखाता है। बहुत सारे ट्रिगर आएंगे, बहुत सारे टेस्ट भी होंगे, लेकिन यूनियन भी होंगे। तो इसीलिए अगर आपके अंदर आपके सोल के बीच में और माइंड के बीच में अगर लड़ाई चल रही है, तो ये समय है आपको सोल को चूज़ करने का, क्योंकि आपको एक चैलेंज की तरह इसे लेना पड़ेगा कि डिवाइन देख रहे हैं कि आप किसे चूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ अपने सोल के साथ चले। इस टाइम बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन नेगेटिव साइड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, नेगेटिव उनके थॉट भी आ रहे हैं, तो उस तरह से वो उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। लेकिन भगवान ने उनके लाइफ में जो चीज़ें दी है, जो उनके पास है, उसको नहीं देख रही, वो जो है उसको नहीं, लेकिन जो नहीं है उसके पीछे वो भागे जा रही है, बस पागलों की तरह चेज करते जा रही है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको अपना काम करना है, आपको सरेंडर रहना है, आपको उतना अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखना है कि चीज़ें आपके लिए हो रही है। अगर देखा जाए तो हर एक ट्रिगर में, हर एक टेस्ट में आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, देखने का नज़रिया है। अगर आप हर तरह से नेगेटिव देखेंगे तो आपको वही एनर्जी पीक होंगे और आप वही एनर्जी में ज़्यादा रहने लगोगे। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि पॉजिटिव रहे और अपना काम करें, ताकि आपके वाइब्रेशन लो ना होए और आप इस तरह की ट्रैप में ना आए।
जो आपकी जर्नी में बाधा डाले, जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बाधा डाले, जो आपके सोल पर्पज़ में बाधा डाले, ठीक है, जो आपकी यूनियन में बाधा डाले, क्योंकि हर एक नेगेटिव एनर्जी हमेशा एक ब्लॉक की तरह काम करती है। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तब वो बीच में आके हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, और वही इस टाइम हो रहा है। देखिए ये जो समय है डीएम और डीएफ दोनों के लिए भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत सी डिवाइन फेमिनिन ऐसी भी है जो बहुत अच्छे तरह से बैलेंस है, अपने सेल्फ लव में है, फुली सरेंडर है, अपने इनर वर्क पे फोकस है, और उन्हें अपना सोल पर्पज़ भी अब क्लिक होने लगा है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, परसों, ठीक है। यूनियन बहुत सारे लोगों के होने वाले हैं, मिलना, बात करना, मिनी यूनियन, क्योंकि एनर्जी यूनियन की भी है। लेकिन याद रखें कि हर एक यूनियन से पहले आपका छोटा मोटा टेस्ट होगा ही, चाहे आपका परमानेंट यूनियन हो चाहे आपका मिनी यूनियन हो, उससे पहले भी आपको टेस्ट देना होगा, ठीक है, जो डिवाइन हमारा लेते हैं। और उसके बाद ये है कि डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी में आप किस पायदान पे हैं, ठीक है, इस पर भी ये डिपेंड करता है कि आपका अगर यूनियन हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो किस एनर्जी में हो रही है। अगर आप लो एनर्जी में हैं तो बिल्कुल चीज़ें बिगड़ेंगी, आप कर्जिंग की एनर्जी में हैं तो चीज़ें बिगड़ेंगी, आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की भी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है तो वो भी इंटिमेसी के लिए आएंगे, और रनर चेजर भी आपके साथ ये फिर से हो सकता है, क्योंकि जर्नी सबके आगे पीछे हो सकती है। अगर आप न्यू हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप मिडल में हैं तो थोड़ी सी चीज़ें बेटर होंगी, अगर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एडवांस है तो फिर कहना ही क्या। बैलेंस डीएफ को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि वो बिल्कुल समझ जाती है कि कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, कहाँ एक्शन रिएक्शन देना है, वो हर तरह से बैलेंस होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम मस्कुलाइन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि डीएम की जो एनर्जी है इस वक्त हेवी है, और बहुत सारी फेमिनाइन हमारी इस वक्त अपने डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी पिक कर रही होंगी, स्पेशली आफ्टरनून, जैसे बताया मैंने, दो बजे के बाद 6 बजे तक ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी थी। आपको थोड़ा सा हेवीनेस सर में या फिर हार्ट में या फिर आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा हेवीनेस, जैसे किसी ने कुछ रख दिया हो, इस तरह से भी आपने फील करा होगा। तो डेफिनेटली ये आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है जो आपने पिक करी है, साथ साथ आप अपने डीएम को मिस भी कर रही है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन भी आपको इस टाइम मिस कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके उनके माइंड में भी आपके लिए चल रहा है। इस समय डीएम और डीएफ दोनों के लाइफ में डिवाइन का इंटरवेंशन हो चुका है, चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप फील करेंगे कि बातें बिगड़ रही है या फिर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो डिवाइन का इंटरवेंशन हो चुका है। आपको बस गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, आपको अपना काम करना है, अपना सेल्फ लव करना है। डीएम अपने कर्मा में बिजी है, अपनी ड्यूटी वो अच्छी तरह से कर रहे हैं। फेमिनाइन, आपको भी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करनी है, और आपकी ड्यूटी है स्पिरिचुअल वर्क करना, आप अपना इनर वर्क करना। वो कर्मा वर्ल्ड में बिजी है, आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बिजी होना है। तो देखिए ये थी एनर्जी, और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मुझे मिले हैं, जैसे कि डिवाइन ने मुझे क्लियर बताया उस मूवी के थ्रू, सोलर प्लेक्सल चक्रा पे आपको काम करना है, ठीक है फेमिनाइन। और अगर नंबर की बात करूँ तो 444-1010-1122-1133 और 333, ये नंबर अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो ये एनर्जी आपके डीएम के साथ और आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट होंगी। अभी नहीं होंगी तो थोड़े दिन बाद होंगी, लेकिन ज़रूर होंगी, ठीक है। तो डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, सोलर प्लेक्सल पे आपको काम करना है, एक स्पिरिचुअल वॉर चल रही है जैसे माइंड और सोल के बीच में, और ये आप ही के अंदर चल रही है। और उसके बाद ये है कि माइंड का मैनिपुलेशन बढ़ चुका है, और इसके वजह से बहुत सारे फेमिनाइन नेगेटिव एनर्जी को फील कर रही है, लो फील कर रही है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है, अपने आप से भाग रही है, अपने डीएम से भी भागने की कोशिश कर रही है, जर्नी से भागने की कोशिश कर रही है, पेशेंस जवाब दे रहा है, ट्रस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये सारी एनर्जी है, लेकिन एनर्जी निकल जाएंगी क्योंकि न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, और जब भी न्यू बिगनिंग होती है तो बहुत पेनफुल साइकिल का एंड होता है, क्योंकि सब कुछ पुराना जो है वो डिवाइन हमारे अंदर से मतलब निकाल निकाल के बाहर ला के हमारे सामने रख देते हैं ताकि हम उसे रिलीज़ करें। और वो सब ख़त्म होने के बाद जब पुराना जाएगा तभी ना हम न्यू लाइट को उस जगह पे
इनवाइट कर पाएंगे, है ना। जब अंदर भरा हुआ रहेगा तो डिवाइन की लाइट आप कैसे इनवाइट करेंगे। तो इसीलिए जो अंदर का जो गंदगी है वो बाहर निकाले और उस जगह पे अपने ईश्वर की लाइट को अलाउ करें, रिसीव करें और क्लेम करें। यही थी एनर्जी। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।